हेलो गाइस, मैं हूं अमित। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक दीवार बॉम्ब होममेड, जिसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे चिटपटी का। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो है छोटी छोटी होती है, जो कि बच्चे चलाते हैं। उसके ऊपर अगर हम चोट मारते हैं तो पट की आवाज़ आती है। इस तरीके के कैप्स होते हैं, रोल कैप्स होते हैं, जो कि अगर मैं आपको निकाल करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और भाई इससे हम लोग बनाएंगे दीवार बॉम्ब। देखो कैसे बनाएंगे, वही तो वीडियो है, तो शुरू करते हैं फटाफट से। दोस्तों दीवार बॉम्ब बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके के रोल कैप की। उसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी एक धागे की, जो कि थोड़ा मजबूत हो तो बढ़िया है। और साथ में कुछ कंकड़ पत्थर, जो कि मैंने उठा लिए हैं मिट्टी में से। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में खुला हुआ ही है, इसके अंदर से एक रोल कैप को निकाल लेते हैं। और भाई इसके अंदर जो इस तरीके की स्ट्रिप है, सबसे पहले तो क्या करना है कि इसमें ये देखिए कि जगह जगह स्पॉट्स होते हैं बारूद के, तो हमको जो है सिर्फ इनको निकालना है। यहाँ पे ये जो पूरा कागज है ना, बाकी का वो हमारे काम का नहीं है। और भाई यहाँ पर इस डब्बी के फुल भरने के बाद में इसका जो ढक्कन है उसको इसके ऊपर बंद करके और धागे से एकदम टाइट बांधना है, जितना टाइट हो सकता है। तो इनको जो है मार करके टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके का बजता है। सामने दीवार के ऊपर जो है हम इनको मारेंगे। तो ये है भाई पहला। यार कितना तेज बजा है यार। तो भाई यहाँ पर है एक और, इसको मारते हैं और देखते हैं कि ओ तेरी की, सुना साउंड क्या जबरदस्त है। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।